हेलो फ्रेंड, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बची हुई पत्ता गोभी की सब्जी के पराठे बना रही हूँ। इसके लिए मैंने बची हुई पत्ता गोभी की सब्जी ली हुई है और मैं सब्जी को मिक्सर में बारीक पीस लूँगी। कुछ इस तरह से मैं सब्जी को बिल्कुल बारीक पीस के तैयार कर लूँगी। और मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन हरी मिर्ची ली हुई है, उसे भी बारीक पीस के तैयार कर लूँगी। कुछ इस तरह से पेस्ट तैयार कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर आटा लिया हुआ है, एक चम्मच अजवाइन ली हुई है, उसे हाथ से मसल के डाल दूँगी। साथ ही मैं इसमें पिसी हुई सब्जी को ऐड करूँगी और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर लूँगी। और मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करूंगी। यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच तेल मिलाऊंगी और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आटा तैयार कर लूंगी। देखिए मेरा आटा एकदम रेडी है। अब मैं यहाँ पर आटे की लोइयाँ बना लूँगी। कुछ इस तरह से सभी लोइयाँ बना के तैयार कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर ट्रायंगल पराठा तैयार कर लूँगी। आप सर्कल बनाना चाहते हैं तो सर्कल भी बना सकते हैं। अब मैं मीडियम फ्लेम पर पराठा तवे पर डाल दूंगी। एक तरफ के सिकने के बाद उसे मैं पलट दूंगी। अब मैं दोनों तरफ से तेल लगा लूंगी, आप चाहो तो घी भी लगा सकते हो। देखिए कुछ इस तरह मैं दोनों तरफ से तेल लगा लूंगी और पराठे को सिकने दूंगी। देखिए मेरा पराठा बनके रेडी है। बची हुई सब्जी के पराठे रेडी हैं। आप इसे दही सब्जी अचार के साथ परोसें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।